हाँ चल लगा और जोर से पूरी ताकत लगा। हाँ कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रस्तान से। हाँ मारो उसके अंदर से, आग लगाओ उसको जकड़ के तेज एक साथ में। जोर से। जलाओ उसके हाथों में, आग लगाओ अंदर तेज एक साथ नहीं। सुने नहीं आ रहा मुझे? जोर से। कहां से लाए थे? काटो उसको, काटो तेज एक साथ में, काटने की तैयारी करो उसको। शमशान से लाए, कब्रस्तान से लाए? सही बता, चला पूरी ताकत से बता, कहां से लाए थे, कौन है, किसका घर है वो? बड़ा सा घर है, बाइक खड़ी है। हाँ घर के आसपास में कौन दिख रहा है? वहां दरवाजे के पास में कौन खड़ा आला है? कोई नहीं, हरा सा दरवाजा है। दरवाजे के अंदर कौन दिख रहा? हाँ देख जल्दी, नहीं तो पूरा काट दूंगा। जल्दी बता कौन है दरवाजे के अंदर बैठे आला घर में वो? हाँ कौन है? खजाना दिख रहा वहां जमीन में? जादूगर दिख रहा वहां बैठे वाला? जादू चलाने वाले लोग दिख रहे वहां? फिर जल्दी देख, मैं पूरा काट दूंगा जल्दी। सही तरीके से आग लगाओ उसके अंदर तेज से, बता कौन है तू? मलयाली औरत आदमी है? हाँ अरे बच्ची को क्या तकलीफ दे रहे थे? इसको वाजिदा को क्या तकलीफ दे रहे थे वो? हाँ बहुत तकलीफ दे रहे थे, क्या दे रहे थे? बस दम घुटता उसका। अच्छा उसका दम घोट रहे थे। हाँ और क्या कर रहे थे? और कलेजे में दर्द होता उसके, अच्छा कलेजे में भी दर्द कर दिए थे उसके? आंख खराब, नहीं खराब, एराज कमजोर। हाँ उसको वाजिदा को कैमे मिला के खिलाए थे? जादू की दवा कैमे मिला के खिलाए थे उसको? हाँ वाजिदा पे जादू कैसा चलाए थे? कैसा चलाए थे जादू उस पे? क्या पूछा मैं जवाब? जरा जकड़ो उसको तेज एक साथ में, जकड़ के रखो उसको और तेज से। औरत थी वो आदमी था जिसने जादू करा था इस पे? तो फिर क्या चल रहा था मसला है? फिर उसे क्यों सता रहे थे ऐसा? हाँ मियाँ भी झगड़े भी लगा रहे थे? हाँ पढ़े तो करो मेडिसिन। नहीं सताते, बस उसके मर्द के उसके भी झगड़े लगाते? नहीं, बहुत अच्छा है तू। अच्छा उसके मर्द की कमाई की बरकत उड़ाए? सही नहीं, बता, बस इसको दर्द करता बस इसको तकलीफ दे रहे थे, इसकी तबीयत को अंदर से चिंदिया चिंदिया कर दे रहे थे। मैं, बहुत कमजोर कर दे रहा था, हाँ और क्या कर रहा था? बहुत कमजोर कर रहा था, बस और बस कमजोर कर रहा था। हाँ तो और क्या क्या कर रहा था कमजोरी के साथ? कई कई की कमजोरी डाला था? कुछ नहीं, बहुत टेंशन में रहती थी। अच्छा इसको सुसाइड करा के मारने वाला था क्या? नहीं, फिर सता तो था बस। अच्छा और जादू कौन करा? औरत ने करी, आदमी नहीं करे, करा कौन? करा नहीं करा किसने, सही बता। फिर तू नहीं कहां से आया? ऐसी जाएगा मैं, ऐसी जागा झूठे बात करता। चलो इसको मारो, इसको नाला खूब मारो, इसके अंदर आग लगा दो। अभी मैं नाम नहीं पूछा, अभी खाली मेरे को बता इसके ससुराल की तरफ के लोग थे। नाम नहीं बताना, खाली शनाख्त बताना। ससुराल की तरफ के लोग थे, मायके की तरफ के थे, जादू करने वाले किधर के थे? क्या मालूम कैसा कैसा दिख औरत थी रहा, आदमी था? नाला नाला, क्या 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 दिख रहा, क्या अच्छा दिख रहा है, घर दिख रहा है, कभी कुछ हाँ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा, बस हाँ नाला दिख रहा, गंदा नाला। छोड़ो छोड़ो। आ गया यार, हाँ कौन डाले थे? उसके ससुराल के तरफ के थे, मायके के तरफ के थे? नहीं समझ आ रहा, अल्लाह कितने सालों से इसके अंग पे तुम? बहुत साल हो गए, फिर भी कितने साल? क्या मालूम 11-1 साल हो गए होंगे। 11 साल से।
ठीक है चलो इसको बन के डालो, इसको नाला को इसको मार मार के चिंदिया करो, इसको उतारे के अंदर की सारी शक्ति खत्म कराओ और इन्हें याद करके आगे में सब बयान करना दूसरे चक्कर तक, सब याद करके आना रे कमबख्त, एक मौका दे रहा हूँ देखो कौन डाले थे इसके अंदर, कहाँ से आया था, कितने लोग थे, क्यों जादू कर थे, कब इसको मारने वाले, सारे बात बयान करना आगे दूसरे चक्कर तक, समझ गया ना, बाद में मैं सुनूंगा नहीं, याद नहीं आ रहा नहीं है, बाद में काट दूंगा अगर नहीं बोला तो, चल गया भक्त याद करके दूसरे चक्कर तक कमी है, इसको मार दे रहा अंदर से, इसे बल कितने बार हाजिर हुआ, कुछ भी नहीं, देखा ना ये जो मसला है तो ये खिला के करके छोड़ा खुद बहुत लगे वाला शैतान जिन्नात नहीं है, अभी से नहीं बोल रहा हूँ मैं 11 साल से तकलीफ क्या देता था तुमको, तो सुन रहा था क्या बोल रहा था तुम, सुन आ रहा था क्या, क्या बोल रहा था वो नाले की बात बता रहा, नाला दिख रहा, किसी का घर दिख रहा जहाँ से जादू हुआ, वो सब दास्तान दिख रहे, वो दूसरे चक्कर तक नाम पूछेंगे सब फोन करा क्या करा, तो मगर वो खुद ब खुद उन्हें तो बोल रहा मैं आया, नाम अभी नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वास्ते कि अभी उन्हें उसको जिसने भी डाला उनके तरफ से वो कर रहा हूँ, क्या बोलते उसको कसम दिए थे नाम मत बता बोल के, मगर मैं भी अगर उन दूसरे चक्कर तक नाम नहीं बोला तो उसको काट के उसके हाथा पाँव काट दूंगा, नाला आया दो टुकड़े कर दूंगा, तो बाप को भी नाम बोलना पड़ेगा कौन ला के डाले, तो और दूसरी बात क्या बोलते तो सब हमला करना पड़ेगा, सामान लिखा के देंगे दुकान से लाना, घर को ले जाना, घर को ले जाके जैसा अमल सीखे वैसा अमल करना है, सब कटिंग उन्हें उनको बीमारियों में अंदर ही अंदर कमजोर कर करके क्या बोल रहा हूँ कमजोर करते जा रहा, तो कमजोर इस वास्ते कर रहा था कि लास्ट में कुछ मार देगा, मुद्दत जो रहती कोई 7 साल की मुद्दत रहती, कोई 12 साल की रहती, टाइमिंग रहती उसमें, कभी 12 साल की वाली होंगी शायद, वो जो भी है तो कई चक्कर तक सब पहुंचेंगे, और दूसरी बात क्या तकलीफ होती थी उनको, और कुछ लगा के रखो मुंह को कैमरा चालू है वो, और अच्छा ये जो दास्तान है ये ऐसा कहीं से लगे वाला, इससे पहले कितने बार हाजिर हुआ घर पे हो, कभी से नहीं आया, ये जो है तो इससे पहले उनके वहां तो कभी हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा खुद ब खुद लगे वाला नहीं था, शयातीन जिन्ना जादू टोना ये रूहानियत ये बदरू हैं, ये अलग अलग वार ये बहुत अजीब और गरीब खेला है, बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि हर मामलों में इल्म समंदर है, तो ये मामले में भी इल्म समंदर है, तो इसके अंदर भी अलग अलग वार अलग अलग दास्तान है, अलग अलग कैफियतें अलग अलग हाल होते हैं जब जादू करने के बाद में, अब इनका मसला ऐसा था कि तकलीफ कलेजे पे दर्द, सांस लेने में कुछ तकलीफ होती थी, पूरे बॉडी पेन करता था वो, उसमें सब रिकॉर्डिंग में है, मगर ये दवा गोलियां बता रहे थे दवा खाने हाजिर नहीं हो गई, हाजिर होना जरूरी भी नहीं रहता क्योंकि सबके सामने हाजिर नहीं होता, हाजिर कराने वाले बहुत कम है दुनिया में, दूसरी बात कैसा यहाँ आया सामने और सब बोला, मगर वो बहुत पुराना है बिल्कुल भी नाम नहीं बता रहा, दूसरे चक्कर तक इंशाल्लाह नाम बता देगा, ये जो है ये मैं कोई कहानी और कोई किस्सा नहीं बता रहा तुम्हारा, तो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से कि कैसे रीति जादू टोने कैसी दुनिया, देखे ना अभी अंदर बैठ के छुप के रह के बीमारियों की शक्ल में बैठा था हमने, ये सब लोग बीमारी बीमारी समझते थे और बीमारी समझते समझते पेशेंट हंसे जाया हो जाता था जब उसका वक्त आता उन्हें लेके चल जाता, इसलिए ही तुम्हारा बोला लगता कि इबादत हर मामले में ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, एक ही कंक्लूजन निकलता इस सारे थ्योरी का, एक ही कंक्लूजन निकलता सबका निचोड़ एक ही निकलता, वही इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, दुआ मोमिन का अख्तियार है, गाने याद हो जाते पिक्चरा याद हो जाते 3-3 घंटे के पिक्चरा देखते बैठ के, और दिन दिन भर गाने सुनेंगे नए नए आए वाले तो वैसा गाने कैसे याद हो जा रहा, दुआ आयाते ये सब क्यों नहीं याद हो रही, ये भी तो याद करो ना, ये मामूल बनाओ ना, इतनी फैसिलिटी हो गई तुम्हारे दौर में कि तुम खाली मोबाइल में बोल दिए तो हर चीज हाजिर हो जाएगी, पास चलो तुम्हारे लिखने भी नहीं आ रहा तो अंदर हाजिर हो जाते हजारों, चलो पुराना दौर नहीं उलमादीन के पास जाओ सीखो उस्ताद के पास जाओ फीस दो, अरे अरे कुछ टेंशन नहीं तुम तो रिचार्ज मार रहे मोबाइल में, सब उलमादीन और हर वो प्रोफेसर हर वो आलिम तुम्हारे मोबाइल में हाजिर है, तुमको दुनिया की जो लैंग्वेज सीखना चाहिए दुआ मोमिन का हथियार है, दुआएं सब ये चीजें सीखना और अपना खुद का इलाज खुद करना, दूसरे इलाज वालों के चक्करों में पड़ गए तो बेवकूफ बना के तुम्हारे तबाह बर्बाद कर देते, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं, झंडू के फूला नाला खा तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद करते, उनकी तो हुएज वाली रहती बर्बाद, वो तो है शैतान के साथ, यहाँ तुमको भी वो गैंग में शामिल कर देते, शैतान की सफों में शैतान की बारात में तुम भी शामिल हो जा रहे हो, ऐसी बात हो जाती, वो तो बारातें हैं शैतान के जादूगर, तो ये सब बातों से बाज आओ, नमाज हदीस कुरान ये जिक्र अस्कार इसका मामूल बनाओ तो महफूज रहेंगे, सुबह में जुम्मा के दिन सूर्य वाकिया पढ़ो, रोज घर के अंदर सूर्य बकरा बजाओ, पढ़ने नहीं आता तो जोर से आवाज लगा के ब्लूटूथ के अंदर स्पीकर में लगा के बजाओ ताकि बला बतराए सुन के भागेंगे रोज अगर वो बजेंगे तो,
वो बजाते वक्त थोड़ा खुशबू जलाओ, बखूर, लोबान, ऊंट, अगरबत्ती जो भी जला सकते तो, ताकि अल्लाह की रहमत बरसना। जहाँ अल्लाह की रहमत बरसेंगी वहाँ अल्लाह की अजमत आएंगी, जहाँ अजमत ही आएंगी तो यहाँ से सारे बलाएं बतराएं भागेंगे तुम पर, सब अल्लाह का फैज होगा। दो बेटे भी है जिद करते बच्चे पढ़ने में, क्या पढ़ेंगे जिद करते? बड़ा बेटा है तो वो शुरुआत से यूनिवर्सिटी था, वो एक भक्ता था तो लाए क्या हमको दोनों, और छोटा बेटा की तबीयत भी नहीं बनती और हाइट भी नहीं बढ़ती नहीं। एक मिनट देखेंगे तो ऐसी दास्तान रहती। खैर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे कि सब बातों पे अमल करो, बाज आओ। और जादू टोने करने वाले लोगों ये मत सोचो कि तुम जादू कर दे रहे हो और तुमको कोई नहीं देख रहा, वो तो देख रहा ना, वो तो हिसाब लेगा ना तुमसे, खबर में वो अल्लाह क्या सोचे। तुम किरामी कातिबीन दो फरिश्ते तुम्हारे खानों पर बिठाए वाले, तुम हर मामला तुम्हारा लिखते, अच्छा लिखता ही बुरा लिखता, और हर वो बात तुम्हारी दिन के उजाले में करे वाली, रात के अंधेरे में करे वाली, पर्दे के पीछे करे वाली, पर्दे के सामने करे, हर बात लिखी जाती है और हर बात का तुम्हारे जवाब देना अल्लाह के सामने। यहाँ तक कि पानी ज्यादा भी खर्च दिए तुमने तो पानी क्यों ज्यादा गिराए, क्यों फजूल खर्चे, बोल के उसके पानी के खतरे का तक हिसाब लेंगे तो ये तो कितना मामला खतरनाक हुआ। जब इसका हिसाब लेना आएंगे किसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करे, जादू को क्यों करे, क्यों गए जादूगरों के पास, कुरान हदीस क्यों नहीं पढ़े तुमने सबसे, तुम अपनी जबान को ऐसी बनाओ जिक्र अस्कार करने वाली बनाओ, कोई तुम अगर छेड़ भी दिया जिक्र अस्कार करने वाले को तो जो छेड़ रहा जो मजाक कर रहा उसको मार पड़ना चालू जाती, इतना खतरनाक आलम। ना जादूगर के पास जाने की जरूरत है ना कुछ ना क्या, तुम्हारी तो खुद की होंगी चुंगी इबादत, उसके अलावा कोई अगर तुम्हारी हंसी भी उड़ा रहा, इबादत करने वाली कोई अगर हंसी भी उड़ाया जिक्र अस्कार करने वाली जलाली शख्स से तो कोई हंसी भी उड़ाया तो उसमें मार पड़ना चालू जाती अल्लाह, चारों तरफ से मैं आजाद में घिर जाता हूँ, ऐसे बुरे तरीके से गिरता हूँ, फिर ना दुआ काम आती ना दवा काम आती ना कुछ ना, कभी वहाँ माफी मांगना पड़ता सजदे में अल्लाह के सामने सर रख के, क्योंकि अल्लाह जब भी फरमाता ना ये सब बातें पढ़ो ना, पहले हदीस कुरान पढ़े तो समझ में आएगा ना। कहने सुनने ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो